आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार 5 बेस्ट सेटिंग ऑफ व्हाट्सएप। तो देन जस्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप सेटिंग है तो व्हाट्सएप खोल लेंगे। नॉर्मल सी बात है जो सबके पास होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्ले स्टोर पर जाके आराम से डाउनलोड कर लीजिए इसका लेटेस्ट वर्जन। एंड्रॉयड की सेटिंग बता रहा हूँ, वो सबकी सेम ही होती है। आइए देख लेते हैं। ये रहा मेरा कुछ अकाउंट। देन उसके बाद जिस अकाउंट पे जाके, चैट्स पे जाके, नोटिफिकेशन जाके, ऐसे बहुत सी सेटिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा एक ग्रुप खोल लेता हूँ। देन उसके बाद टाइप अ मैसेज पे जाकर इसमें बहुत सी सेटिंग आती है। सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसमें बात होती है कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको एस्टरिक का यूज़ करना पड़ेगा। एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक लगा के या सिंगल एस्ट्रिक पहले लगा लीजिए, उसके बाद जो सिंपली टेक्स्ट आपको टाइप करना है, जैसे टेक्स्ट गोज हेयर, देन जस्ट सिंपली एक और एस्ट्रिक लगा देना है, देन जस्ट बुया योर टेक्स्ट इज गोइंग टू बोल्ड। ओके, सो यू कैन सेंड इज एट बोल्ड टेक्स्ट। देन अगर आपको ये पूरा हिंदी में, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्नो पॉइजन लिख लेते हैं। अगर आपको सिर्फ इटैलिक में चाहिए तो इटैलिक के लिए बता रहा हूँ मैं, टेक्नो पॉइजन, ये हमारे चैनल का नाम, ये हो गया हमारा इटैलिक में, ये देखिए सेंड। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए तो स्ट्रिक लगा के ये लगा के, तो ये लगा के स्ट्रिक लगा के टेक्नो। ओके, नॉर्मली मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिक वापस बोल्ड में, फिर उसके बाद इटैलिक में, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों जॉइंट हो गया। अभी आपको कट में चाहिए तो उसके बाद ये है, इसको ऐसे लगा दिया टेक्नो पॉइजन, फिर उसके बाद ये हमने वापस लगा लिया, तो ये कट में हो। ओहो, आई एम सॉरी, देख सकते हैं यहाँ टेक्नो पॉइजन लिखा, देन उसके बाद ये कर दिया, तो ये कट हो गया। आप देख सकते हैं इसको बोल्ड में लिखना, तो बोल्ड में भी कर सकते हैं, बोल्ड से कट रहेगा, सब एक दूसरे में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट। अब आते हैं, बढ़ते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ। दूसरी सेटिंग हमारी बढ़ती है, सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। देन सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले चैट्स में जाएंगे। आप चैट्स का प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि डार्क मोड कैसे आया, ये मैं व्हाट्सएप डार्क मोड भी कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो थीम पे क्लिक करके दो ऑप्शन मिलेगा, या तो लाइट या तो डार्क। तो यहाँ पर लाइट पर क्लिक करके नॉर्मल मोड आ जाएगा, डे मोड। देन उसके बाद आप डार्क पर क्लिक करेंगे तो आपका डार्क मोड चालू हो जाएगा। ओके, नो नीड टू यहाँ से वीवो की तरह, अगर आपका स्मॉल मोबाइल है या सैमसंग का लोअर वर्जन, ओल्डर वर्जन है, तो आप उसमें भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेट सेटिंग की तरफ। नेट सेटिंग हमारे पास ये आती है, अब सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद चैट्स पे जाएंगे। चैट्स पे जाने के बाद अभी आप देख सकते हैं एंटर सेंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑफ रहता है। इसको आप देख सकते हैं एंटर सेंड कर देंगे, जैसे आपको फटाफट मैसेज भेजना हो, आप कहीं पर ब्रॉडकास्ट के जरिए कहीं भी आप फटाफट भेजना हो, आपको ये सेंड का बटन दबाने में मुश्किल होती है। कुछ नहीं, आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे, हेलो देयर, देन जस्ट यू वांट टू सेंड, देन डू नो नीड टू क्लिक देयर, जस्ट आप सेंड पे क्लिक करिए, नीचे सेंड पे क्लिक करेंगे चला जाएगा। बस यहाँ पे एंटर वाला जो बटन रहता है, जो नीचे चला जाता है, जितना भी आप लेके जाएंगे वो नहीं होगा, बस यहाँ से सेंड हो जाएगा। जितना बार आप भेजेंगे फटाफट सेंड हो जाएगा, थोड़े थोड़े मैसेज जल्दी जल्दी सेंड हो जाएंगे, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। अभी सेटिंग पे आते हैं, अब हम चैट्स पे जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग चैट बैकअप, वो तो पता ही है आपको। उसके बाद फॉन्ट साइज से जाएंगे, इसको आप बिल्कुल भी पता नहीं होगा, या आप सेटिंग से भी अपने चेंज कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ में आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। अगेन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा, देखिए सब छोटा छोटा आ रहा है। अब यही चीज़ आप गौर करेंगे मीडियम पे, मीडियम से आप देख ही रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ अब लार्ज पे। जैसे किसी आपको आँख में इफेक्ट पड़ता है या कुछ भी होता है, तो लार्ज क्लिक करके आप अपने प्रेफरेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारे टेक्स्ट बड़े में आ रहे हैं, ये बड़े कीबोर्ड बड़े में नहीं आएगा, ना टाइप करते हुए आएगा, ये नॉर्मल आएगा। उसके बाद ऐसे जब इसके सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ लार्ज हो जाएगा, देख सकते हैं ये चीज़ बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, जिससे आप आराम से रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद आपको ये चार सेटिंग मिल गई। अब लास्ट सेटिंग हमारी जो है वो है सेटिंग पे जाएंगे। देन सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट जब देखने, सबसे पहले आपको दिखता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप होप आपको ही पता होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है। तो जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इसमें आपको दो स्टेप पे वेरिफिकेशन रहता है। गूगल पे भी बहुत से कंपनियाँ आपको ये फीचर देती है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन में आप कभी भी, जैसे गूगल की तरफ से भी रहता है, अगर आप नंबर भी डाल दिए, अगर उसके बाद आप मतलब नंबर डाल के लॉगिन करते, ओटीपी भी आ गई, तो उसके बाद आपको पिन मांगेगा।
पिन मांगेगा, नहीं तो अगर ईमेल वगैरह पे क्या रहता है, इसमें ईमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जिसमें गूगल वगैरह पे ईमेल की ज़रूरत रहती है, आपने यूज़र नेम या आईडी अपनी डाल दी, उस पर पासवर्ड डाल दिया, देन उसके बाद लॉगिन हो जाता है। अगर किसी दूसरे पर्सन को आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड पता हो तो वो आराम से खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप टू स्टेप वेरीफिकेशन अप्लाई कर देंगे तो उसमें वो चीज़ रहेगी। साथ ही में जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे एक वेरीफिकेशन 16 डिजिट का कोड जाएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन, देन आपकी आईडी एक्सेस करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया। अगर उसको अनेबल करेंगे तो आप यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन करेगा नंबर डाल के, OTP भी अगर उसके पास आ जाएगी, लेकिन उसको पिन डालना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना है, हम क्वालिटी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।